तो बोर्ड देख के आप लोग समझ ही गए हो, हम आज जा रहे हैं टाकी। कलकत्ता नौपाड़ा में मैं रहता हूँ। यहाँ से टाकी का डिस्टेंस लगभग 70-80 किलोमीटर है। टाकी जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। वहाँ पे एक रिवर का सिर्फ डिस्टेंस बाकी है। एक रिवर का एक तरफ इंडिया है, दूसरी साइड बांग्लादेश। तो चलो चलते हैं आज टाकी। वही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिंदगी जब तूने दी मैं क्यों परेशानी लूँ, जब जिंदगी लेगी भी तू। तो इस मंत्र के साथ हम लोग आज का टाकी का सफ़र शुरू करते हैं। अभी मैं कहाँ से जा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बोल के और टाकी का जो अंदर का सीन है वो कुछ दिखा के चला आऊँगा। तो ये था बेलघोड़िया एक्सप्रेस का रास्ता। यहाँ से एयरपोर्ट के पास से बाएं तरफ लेके मैं टाकी निकल गया था, लेकिन आप लोग चिनार पार्क होके भी जा सकते हो। और रास्ता थोड़ा अच्छा भी है, दो साइड पे जो मछली का जो फार्मिंग है वो होती है रास्ते के दो साइड पे। तो चलो म्यूजिक के साथ थोड़ा रोड एंजॉय करो, थोड़ी देर में बाद में मिलता हूँ। एयरपोर्ट छोड़ के थोड़ी दूर आके पेट्रोल भरा लिए। पेट्रोल भराने के बाद फिर मेरा, और बाय द वे ये रोड का नाम है जोशोर रोड, इसको पकड़ के आप लोग एकदम सीधा चलती रहो। तो और ये रोड का हालत थोड़ा खस्ता है। टाकी कलकत्ता से 75 किलोमीटर है। ये एक दिन का शॉर्ट टूर है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन विंटर में अगर आप लोग जाओगे तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे। रिवर साइड है, एक साइड इंडिया और एक साइड बांग्लादेश, ऐसे करके एक जगह है छोटा सा। तो ये रोड बहुत ही ख़राब है भाई, देखा है रोड का हालत कैसे है। तो जो मैं बोल रहा था, ताकि मैं देखने के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके जाओ, ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं देखने को। लेकिन एक दिन का शॉर्ट टूर हो ही जाता है। और ये जोशोर रोड पकड़ के चापाडांगी डाली मोड़ करके एक बारासत चापाडाली मोड़ करके एक नाम है। यहाँ से जो रास्ता देख रही हो, तीन कॉर्नर है, यहाँ से राइट वाला कॉर्नर से निकल जाना राइट वाला कॉर्नर से अगर आप चले गए तो यही जो रोड जाता है सीधा, यही टाकी रोड है। एकदम टाकी कनेक्ट करती है यही रोड। और ये रोड का हाल भी बहुत ही खस्ता है, सिंगल रोड है और बहुत ही क्राउडफुल रोड है, बहुत ट्रैफिक रहते हैं। और रोड के दो पास में घर दुकान सब रहता है। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद, लगभग 20-30 किलोमीटर जाने के बाद थोड़ा रोड हल्का हो जाता है, उतना क्राउड नहीं रहता है। और एक बात, टाकी बेसिकली किन लोगों के लिए है मैं वो बता देता हूँ। टाकी बेसिकली वो लोगों के लिए है जो लोगों को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है दूर दूर ट्रैवल करने के लिए। वो संडे में कई फैमिली को लेके चला गया घूमने के लिए, तो दो एक होटल भी है, रिवर साइड है और ज़्यादा कुछ नहीं है।
और मैं ये जो वीडियो है ये कोरोना वायरस जब चल रहा है तभी एडिटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए ये ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये वाला जो शॉर्ट शॉर्ट मैंने राइट किया था तो इसी के लिए मतलब थोड़ा रिफ्रेश लग रही है अभी, पुरानी स्थिति को निचोड़ के अभी जी रहा हूँ, नहीं तो क्या होता मुझे पता नहीं। और टाकी के आने के थोड़ा पहले थोड़ा ग्रीनरी बढ़ जाता है, थोड़ा दोनों रोड के दोनों पास बहुत से पेड़ हैं जो छाव देती है पूरे रास्ते को, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट अगर रास्ता ठीक कर देता तो अच्छा होता, लेकिन ये रोड के साइड में कोई भी रूल रेगुलेशन कभी भी फॉलो नहीं करते हैं यहाँ, क्योंकि आप देखोगे भी वीडियो में, और रोड के ऊपर ही गाड़ी वगैरह सब रख देते हैं पार्किंग करके। सरकार के ऊपर कंप्लेन करते खराब रोड को लेकर और नेचर का मजा लेते हुए हम लोग पहुंच गए टाकी। टाकी पहुंच के मेरे साथ एक गलत चीज हो गया। टाकी जाने के लिए टाकी जब आप पहुंचोगे तो उधर पूरा टी पॉइंट रहता है, बाएं तरफ टाकी निकल जाते हैं, लेकिन मैं गलती से दाएं तरफ आ गया था। लेकिन आप लोगों भी लोग भी अगर ये गलती करते हो थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा, रिवर का दूसरी साइड भी आप लोग देख सकते हो। तो मेरे से तो ये गलती हो गई थी, तो मैं आया इस साइड भी, थोड़ा सा आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो, देख सकते हो कितना नैरो रोड है, तो मैं बाइक घुमा लिया था। बाइक घुमा के इस रोड के ऊपर थोड़ा जाके मैं फिर लेफ्ट साइड गया था। तो और ये जो टाकी का जो मेन टी पॉइंट है, आप अगर प्राइवेट कार लेके जाते हो तो यहाँ से आपको शायद प्राइवेट कार नहीं घुसने देगा, तो यहाँ से टोटो से ही आप सारे लोग घूमने जाते हैं। और ये जो रिवर है, इस रिवर पे शायद घंटे का 600 रुपया दे के 4 आदमी वो मतलब जो नाव है उसका सवारी कर सकते हो। और देखा कितना सारे टोटो यहाँ खड़े हैं, और राइट साइड में बैठने के लिए जगह भी बनी हुई है, और कुछ होटल वगैरह है, 2-4 रहने का होटल और खाने का कुछ होटल है, ओवरऑल ठीक है। ये है टाकी का एक पॉइंट। यहाँ से अंदर जहाँ एकदम पास में ही वो जो ये है बांग्लादेश का बॉर्डर है वो थोड़ा दूर में है। चलो अभी थोड़ी देर जाके फिर बताता हूँ मैं।
बाएं तरफ से आने के बाद थोड़ी देर के बाद आप लोगों को एक चेक पॉइंट मिलेगा। यहाँ आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपको प्रॉपरली जमा रख के जाना पड़ेगा इन लोगों के पास। मिलिट्री जो चेकिंग पॉइंट है वहाँ रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनर लाइन ये बॉर्डर है तो यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रहता है मिलिट्री। और इस गांव के अंदर का जो लोग है इन लोगों को शायद सब लोगों को टाकी के बारे में, जो टाकी के अंदर का जो एक रिवर का साइड जगह है वो शायद पता नहीं है। और ये रास्ता भी बहुत कंफ्यूज वाला है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, आप गुम हो जाओगे इस रास्ते पे। मतलब ये इतना उलझन वाली रास्ता है और देख रहे हो कितना नैरो रास्ता है और प्रॉपरली गांव का रास्ता है। तो मैं भी एक जगह गलती कर दिया था, आप लोग आगे देख पाओगे। फिर ये जो लोकल जो लोग थे लोगों को बोला, तब इन लोगों ने मुझे गाइडेंस किया, तब मैं गया ठीक वहाँ पे जहाँ पे लोग जाते हैं रिवर को ज़्यादा नज़दीक से बांग्लादेश को देखने के लिए। वहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, टाकी का जो ये टी पॉइंट है यहाँ ही सब कुछ है। बाइक जमा करने के लिए फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे आके आप लोग राइट साइड चले जाओगे तो राइट साइड में आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा और उसमें एक आदमी मिलेगा। वो आदमी थोड़ा खिसका हुआ है, तो 10 रुपया करके एंट्री टिकट लेता है और उसको उसको चेंज मांगा और चेंज भी नहीं मिला उसको, और टिकट देखा कैसे कैसे फेंक के दे दिया, उसका कोई सेंस ही नहीं है। फिर टिकट काट के आप अंदर जा सकते हो। अंदर जाके बेसिकली यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, वो जो एक फुट ब्रिज है वहाँ पे जाके फिर आप ये रिवर का सीन देख सकते हो। फिर मैं यहाँ से निकल आया, मेरा टाकी का सफ़र यही तक ही था। वहाँ जो खेजूर गुड़ बोलते हैं नॉलैंड गुड़ वो सब वगैरह मिलता है। तो ख़त्म हो गया मेरा टाकी का सफ़र यहाँ ही। फिर बाद में कोई अगर गया मैं टूर करने के लिए फिर मिलेंगे भाई। बाय बाय, गुड नाइट, नाइस डे।